दोस्तों बहुत खूबसूरत सी लाइन कही है मंदिर में बैठे भगवान ने कि सिर्फ मांगने ही आ जाते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। आज की एक छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी सी कहानी एक सेठ जी की। एक सेठ जी जिनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, और जैसे जैसे सेठ जी का व्यापार बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे सेठ जी की श्रद्धा जो है भगवान में वो बढ़ती जा रही थी, और इस श्रद्धा में डूब करके ढेर सारे मंदिर जो है वो सेठ जी ने बनवाए। लेकिन सेठ जी के पास इतना वक्त नहीं था कि उन मंदिरों में जाकर के वो भगवान की पूजा कर सके, तो सेठ जी ने उन मंदिरों के लिए पुजारी नियुक्त कर दिए और उन पुजारियों को यह हिदायत दे दिया कि आपको सुबह शाम इन मंदिरों में जो है भगवान की पूजा करनी है। सेठ जी निश्चिंत हो गए कि चलो भगवान की पूजा तो हो रही है, सुबह शाम मंदिर में पुजारी जो है वो पूजा कर रहे हैं। वक्त बीता और एक समय ऐसा आया जब अचानक से सेठ जी को व्यापार में बहुत सारा घाटा हो गया। अब सेठ जी परेशान हो गए क्योंकि उनको अचानक से 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई। सेठ जी ने हर तरफ हाथ पांव मारे, पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से 100 करोड़ रुपए का इंतजाम हो सके, कोई जुगाड़ हो सके, लेकिन हर जगह हाथ पांव मारने के बाद भी उनको निराशा हाथ लगी। सेठ जी बैठे हुए थे कमरे में, सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे कहां से पैसे लेकर के आए, कैसे व्यापार बचाए, कैसे सब कुछ बचाए। अचानक से सेठ जी को ध्यान में आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, क्यों ना चल के भगवान से मांगते हैं। सेठ जी खुश हो गए क्योंकि मन में एक फैसला आ चुका था कि अब जाना है और जाकर के भगवान से मांगना है, क्योंकि मैंने भगवान के लिए इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, उनकी पूजा कराई है, तो भगवान ही जो है वो मुझे इस समस्या से निकाल सकते हैं। सेठ जी ने तय कर लिया कि कल सुबह उठूंगा और उठते ही जाकर के सबसे पहले मंदिर में जाकर के भगवान से अपने लिए जो है वो 100 करोड़ रुपए की मांग करूंगा, अपनी जो समस्या है वो उनको बताऊंगा। सेठ जी ने सोचा, चूंकि बनिया आदमी थे, सोचा कि सुबह सुबह जो बौनी का वक्त होता है उस समय जाऊंगा ताकि मुझसे पहले कोई और जाकर के मंदिर में भगवान से कुछ मांग ना ले, क्या पता भगवान का मूड खराब हो जाए या देने का मन ना करे, तो सबसे पहले जब मंदिर का दरवाजा खुलेगा तो मैं पहुंचूंगा मंदिर में और जाकर के भगवान से कहूंगा कि भगवान मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, मेरी परेशानी जो है वो खत्म कर दीजिए। सेठ जी ने फैसला कर लिया, सो गए। सुबह जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठ करके सीधा पहुंच जाते हैं मंदिर के दरवाजे के पास। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में उनसे पहले एक भिखारी जो है वो भगवान के सामने बैठा हुआ है और भगवान से मांग रहा है। ये देख करके सेठ जी का मूड जो है वो खराब हो जाता है, कहते ये भिखारी कहां से आ गया। भिखारी की जब नजर पड़ती है सेठ जी पर और सेठ जी की जब नजर पड़ती है भिखारी पर, तो दोनों के मन में एक जैसे ही सवाल उठते हैं। भिखारी ये सोचता है कि भाई सेठ जी सुबह सुबह मंदिर में क्या कर रहे हैं, इनको किस चीज की जरूरत पड़ गई, इनके पास तो सब कुछ है। सेठ जी सोचते हैं भिखारी सुबह सुबह मंदिर में क्या करने आया, इसको क्या चाहिए, इसके लाइफ में तो कुछ ना कोई स्कोप है, ना कोई उम्मीद है, ना कोई काम है, ये क्या करने आ गया सुबह सुबह। दोनों एक जैसा सवाल जो है एक दूसरे के लिए मन में रखते हैं। भिखारी लगा रहता है भगवान के सामने अपनी जो है वो विनती लेकर के कि भगवान किसी भी तरीके से शाम तक मेरे लिए 100 रुपए का जुगाड़ कर दो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसके लिए दवाई खरीदना है, 100 रुपए अगर मिल जाएंगे तो मैं उसकी दवाइयां खरीद पाऊंगा और मेरी बीवी की जान बच जाएगी, तो जैसे करके कैसे भी करके 100 रुपए का जुगाड़ जो है वो शाम तक करा देना ताकि दवाई खरीदने के पैसे मेरे पास आ जाए। भिखारी लगा रहता है भगवान से मांगता रहता है 100 रुपए दिला दो, किसी भी तरीके से दिला दो। पीछे सेठ जी बैठे रहते हैं, वो परेशान हो रहे हैं, वो झल्ला रहे हैं कि भाई ये कब जाएगा, कब इसकी बात खत्म होगी, कब ये उठेगा कि मैं जाकर के भगवान से अपनी बात कहूंगा। और भिखारी जो है इन सब चीजों से बेफिक्र अपनी धुन में लगा रहता है, भगवान से मांगता रहता है कि भगवान 100 रुपए दिला देना, पूरे दिन मैं इंतजार करूंगा, आप शाम तक किसी भी तरीके से 100 रुपए का जुगाड़ कर देना। आखिरकार सेठ जी से रहा नहीं जाता है, सेठ जी क्या करते हैं अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालते हैं, भिखारी को दे देते हैं, कहते भाई ये पकड़ तू 100 रुपए, अब जा यहां से। भिखारी खुश हो जाता है, भगवान से कहते हैं भाई 100 रुपए जिसके लिए मैं पूरे दिन इंतजार करने के तैयार था, आपने तो एक झटके में मेरा काम कर दिया, 100 रुपए आगे मेरे पास, अब मैं दवाइयां खरीद सकता हूँ, आपने तो बड़ा आसान कर दिया सब कुछ। भगवान को धन्यवाद कहता है, भिखारी वहां से निकल जाता है। जैसे ही भिखारी निकलता है सेठ जी तपाक से पहुंचते हैं भगवान के पास में और बैठ जाते हैं भगवान के सामने और कहते हैं कि भगवान मैंने उस भिखारी को तो 100 रुपए देकर के यहां से चलता कर दिया है, उसकी समस्या मैंने खत्म कर दी, आप मेरी समस्या सुनो, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 100 करोड़ रुपए दिला दो। कहीं से मांगते हैं भगवान से, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं सेठ जी से कि भाई देख ऐसा है कि तूने 100 रुपए देकर के भिखारी का तो काम आसान कर दिया, उसकी जो डिमांड थी वो पूरी कर दी, वो तो चला गया, अब तुझसे भी बड़ा कोई भिखारी अगर मुझे मिलेगा तो मैं उससे तेरे लिए जो है वो जुगाड़ कराऊंगा 100 करोड़ रुपए का, उससे 100 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा। ये बात सुनकर सेठ जी चौंक जाते हैं, कहते हैं भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हो। भगवान कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जब से तूने मंदिर बनवाया है आज तक तू मुझसे कभी मिलने नहीं आया, आज आया भी है तो कुछ मांगने आया है, कभी मिलने नहीं आया, तो अब अगर ऐसे में अगर जब तुम आए हो मेरे पास में तो फिर मैं तुम्हारे तुमसे बड़ा कोई भिखारी ढूंढूंगा जो तुम्हारी परेशानी हल कर दे। दोस्तों छोटी सी कहानी है लेकिन इस कहानी का मतलब बहुत साफ है। ये कहानी हमें बताता है कि जिस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ मांग की भूमिका रहती है, सिर्फ मांगने की नियत रहती है, उस रिश्ते में प्यार जो होता है वो वक्त के साथ कम हो जाता है। तो कभी भी भगवान के पास जाओ तो कुछ मांगने के लिए मत जाओ बल्कि मिलने के लिए जाओ। जब मिलने के लिए जाओगे तो भगवान तुम्हारी सारी मांगें पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम का भूखा है।
तो जब भी मंदिर में जाओ तो भगवान से मांगने नहीं बल्कि मिलने जाया करो। ये कहानी उन सब लोगों को समर्पित है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान से मांगने जाया करते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है तो भगवान के पास दौड़ जाते हैं, लेकिन जब अच्छा वक्त चल रहा होता है तो उस समय एक बार भी भगवान से मिलने नहीं जाते। मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आप सब लोगों को पसंद आएगी और आप लोग आज से जो है भगवान के पास मिलने जाया करेंगे, उनके साथ अपना प्रेम जो है वो बढ़ाने जाया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।